जैसे जारा के फाउंडर ओरटेगा हाँ अरमान शो ओरटेगा इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड तो क्या अगर किसी ने भारत में एक क्लोथिंग लाइन आज स्टार्ट करी 2024 में और बहुत स्मार्ट गेम खेली तो 20 साल 30 साल बाद क्या वो इंसान भी वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन सकता है उसके लिए खाली आ, हमारी खुद की जनता को पहले Uh, ज़ारा बोलना बंद करके और डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात करनी पड़ेगी यू you नो know, uh, क्या हुआ है कि हम इनग्रेंड हो गए हमारे माइंडसेट में कि यूरोपियन है तो बढ़िया है अमेरिकन है तो बढ़िया है अच्छा है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है बहुत सुपर है बहुत बढ़िया है दे आर वेरी गुड कंपनीज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वॉट देव इज अमेजिंग बट हमें हमारे ब्रांड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी लाइट like? वोकल फॉर लोकल जो है कि यार मैं पहनूंगा इंडियन मैं बाहर जाऊंगा तो बात करूंगा इंडियन ब्रांड्स की मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है लाइफ में कि यार जैसे हम बात करते हैं यार सिटी में यू you नो know, ये ब्रांड आ गया सिटी में वो ब्रांड आ गया अरे मतलब मैं इंदौर से हूँ राइट तो इंदौर के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बैक टेन ईयर्स बैक बहुत नई थी मैकडोनल्ड्स भी आया तो नया था कि मैकडोनल्ड्स आ गया तो वैसे पहले हमें हमारे डोमेस्टिक ब्रांड्स की उस तरह से बात करनी पड़ेगी उतना एक्साइटेड होना पड़ेगा कि यार यू नो से फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूं कि यार यूएस में लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि अरे यार इंडियन गराज आ गया इंडिया hmm. से hmm. और उसके लिए पहले हमें पैशनेट होना पड़ेगा हमारे यू नो ब्रांड्स के लिए आप इंडियन हमारे ब्रांड का जैसे मेरे ब्रांड के टैग में मैं बड़ा बड़ा मेड इन इंडिया लिख के बेचता हूँ आत्मनिर्भर भारत लिख के बेचता हूँ किस लिए इट्स जस्ट यू you नो know, के फॉर कंट्री के यार अपने कंट्री के ब्रांड बाहर जाए और वहां पे ये बात हो कि यार यू you नो know, इंडिया का ये ब्रांड खुल रहा है यहाँ पे और वहां लाइन लगे hmm. आज एप्पल स्टोर के बाहर लाइन लगती है इवन इंडिया में लगती है तो अगर वो हमने इंटरनली स्टार्ट किया तो यहाँ के ऑन्टोप्रिन जरूर और हमारे यहाँ के भी फैशन ऑन्टरप्रेनर्स है चाहे लाइफ स्टाइल ऑन्टरप्रेनर्स है आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर के आज भी लार्जर कॉरपोरेशं टू मतलब वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम इंडियंस रन कर रहे हैं राइट द ओनली पॉइंट इज हम वहाँ की कंपनीज रन कर रहे हैं यू नो सम ऑफ यू नो पीपल आर द सी ओज ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड तो हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते खाली एंड वो आ रहा है मतलब आई कैन सी दैट ऐसा नहीं है कि इंडिया में अभी इंडियन ब्रांड्स के लिए जो रिस्पेक्ट है क्रेजी क्रेजी मतलब इट्स अमेजिंग द वे पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग लग रही है लाइन hmm. मतलब इंडियन ब्रांड्स के स्टोर के बाहर भी आज वही एंथुजियाजम है जो एंथुजियाजम हम पहले फॉरेन ब्रांड्स के लिए दिखते थे तो वो अवेयरनेस बहुत डीपली बिल्ड हो रही है इंडियन स्टोरी बहुत डीपली बिल्ड हो रही है ब्रांड uh, इंडिया बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है पहुंच जाएंगे आप चालू करो मैं ये क्लोदिंग डिटोसी के बारे में बहुत पढ़ता हूँ ये पता चला है कि जारा ने इतना ज़्यादा सक्सेस देखा था क्योंकि एक डिज़ाइन और क्रिएटिव एंगल भी रहता एवरी थिंग फ्रॉम आप उस जारा स्टोर में एंटर करते हो हमेशा ग्रे पेंट लगी हुई होती है आ, उनका डेकोर बहुत स्टैंडर्डाइज है दुनिया भर मेरा एंगल ये कि देखो हम एज़ यूट्यूबर्स बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को कॉन्टेंट को क्रिएट कर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी लगती है टू बी एबल टू क्रिएट कॉन्टेंट इवन इफ इट्स अ पॉडकास्ट करेक्ट द सेम क्रिएटिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द क्लोदिंग लाइन तो एक ज़ारा हेडक्वार्टर्स में कई स्पेन में या जहाँ भी एक बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम बैठी है जो अलग अलग कपड़े डिज़ाइन करते जा रही और देख रही है कि यार ये रैम्प पॉक्स पे कैसे कपड़े पहन रहे लोग आजकल क्या ट्रेंडिंग है कैसे सिलोट्स कैसे कलर्स कैसे मटेरियल्स वगैरह एंड भर भर के डिजाइन कर रही है। तो आई फील ये क्लोथिंग लाइन की सक्सेस में ये क्रिएटिव एंगल बहुत जरूरी है एंड इसलिए यू टू बी वेरी डेडिकेटेड एज फाउंडर ऑफ सच ब्रांड आपको क्लोथिंग ब्रांड बनाना है आपको ये करना ही पड़ेगा wow. अगर आप नहीं करोगे और आप इसके लिए टीम भी डालोगे तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट को वहां लेके जाने के लिए जहां आप समझते हो कि आप कंज्यूमर को टारगेट कर रहे थे तो खाली समझो एक डिजाइन टीम एक मैन्युफैक्चरिंग टीम या किसी और के पास में जाके भाई तेरी डिजाइन दिखा दे और उसके ऊपर मैं मेरा लेबल लगा दूं और फिर मैं यू you नो know, मेरी ब्रांड वैल्यू बेच बेचू वो बहुत डिफिकल्ट काम है mm. हो सकता है बट uh, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है राइट right? उससे इट्स अ टेक्निकल फील्ड फैशन इज नॉट हाउ वी सी इट फैशन इज अ वेरी टेक्निकल फील्ड यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग पता होनी चाहिए क्या मार्केट में ट्रेंड आने वाले अभी लूज फिट चल रहा है छह महीने में सडनली स्लिम फिट वापस अंदर आ जाएगा क्या करोगे आपको इमीजिएटली चेंज करना पड़ेगा पूरी सप्लाई चेन चेंज चेंज करना करना फिट पड़ेगा स्टोर में वापस स्लिम फिट का माल भेजना पड़ेगा तो आसान थोड़ी है और अब तो फास्ट फैशन आ गया ओकेजन इतने हो गए जैन के पास में पहले ऑफिस जाते थे तो बोलते थे यार फॉर्मल पहन के जा कैसे जा रहा है आज हमारे ऑफिस में इनफैक्ट टी के ऑफिस में मैं देखता हूँ मैंने मैं खुद भी फ़ैशन पहन के जाता हूँ सब अपना अपना स्टाइल पहन के आते हैं कोई शॉर्ट्स में भी आता है कोई वेस्ट भी पहन के आता है सब सब तरह के कपड़े पहन के आते हैं तो इसलिए फास्ट फैशन आ गया क्योंकि अब जेन्जी बहुत एक्सप्रेसिव है वो नहीं समझता है कि यार मेरे को ऑफिस जाना है तो मेरे को फॉर्मल पहन के जाना है वो तो समझता है मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ राइट और हमारे टाइम पर लोग जज भी कर लेते थे अभी का जेनजी तो कंज्यूमर एक दूसरे को अप्रिशिएट करता है अरे यार मस्त लग रहा है तुम्हें दो पहने राइट और हमारे केस में क्या होता था भाई क्या पहन के आ गया बहुत बड़ा चेंज है इसके कारण फास्ट फैशन आ गया कि अब पीपल आर रेडी टू ट्राई आप देखो ओकेजनस कितने हो गए हमारे लिए ओकेजन क्या था दिवाली एक बार दिवाली में कपड़े मिलते थे मामा मासी किसी की शादी है उसमें कपड़े मिलते किसी की भी घर में शादी है उसके कपड़े मिलते थे माने ओकेजन बेस्ड बाइंग थी आज तो शाम को ओकेजन है मैं डेट पे जा रहा हूँ राइट कल सुबह दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ परसों से मैंने डिसाइड किया है कि यार मैं दो घंटे म्यूजिक सीखने जाऊँगा और हर ओकेजन की ड्रेसिंग है और रात को मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा हूँ और अब मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ गोवा में तो वो वॉडर मेरी अलग बनेगी hmm, क्योंकि Instagram पे दिखाना है सबको हाँ, वो एक बहुत बड़ा <laughs> बून कह लो या प्रॉब्लम कह लो बट तो इतने ओकेजन और उतने ओकेजन के लिए उतनी ड्रेसेस तो फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट आ गया अब आप बोल रहे हो मैं एक ब्रांड लॉन्च करूंगा उसमें प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा अरे उसको फास्ट भी करना पड़ेगा उसकी इको भी डेवलप करनी पड़ेगी जब हमने इंडियन गराज इनिशियली चालू किया हमको सौ डेढ़ पीस बनाना होता था और सौ डेढ़ पीस कोई फैक्ट्री नहीं बनाती इट वॉज लाइक अ टेलरिंग जॉब राइट और प्रोडक्ट भी राइट वैल्यू पे बनाना है तो फैक्ट्री में बैठे अपने साथ ऑन्टनर्स को जोड़ा कि यार आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में एक काम करो आप 12 मशीन लगा लो 15 मशीन लगा लो हम हेल्प करेंगे लेकिन माल हमारा बना के दो मेरे पास में आज ऐसी कम से कम साठ से सत्तर फैक्ट्रीज है जो डेडिकेटेडली कैप्टिव कैपेसिटी की तरह इंडियन गैराज के लिए काम करती है ये सब कौन लोग हैं ये यंग ऑन्टरप्रनर हैं जो टेक्निकल फील्ड्स मतलब वो अपैरल में कहीं पर काम कर रहे थे राइट कोई प्रोडक्शन मैनेजर था कोई फैक्ट्री मैनेजर था वो सब ऑन्टरप्रेनर बने किसी ने बारह मशीन से सौ मशीन पे स्केल किया किसी ने पचास मशीन से डेढ़ मशीन पे स्केल किया ये दस साल का सप्लाई चेन है जो क्रिएट हुआ है वाह और ये सारे कौन लोग हैं जो मैंने समझो अपनी जॉब में पच्चीस पचास हजार रुपया कमा रहे थे आज अपना बिजनेस करके डेढ़ लाख रुपया दो लाख रुपया घर लेके जा रहे हैं तो ये सारा इकोसिस्टम आज फास्ट फैशन है मेरे पास में कैपेसिटी है मैं चेंज कर दूंगा आप सोचते रह जाओगे कि यार मैं मेरे इसमें अभी चेंज करूँ फिर मैं मैन्युफेक्चर के पास जाऊँ फिर वो मैन्युफेक्चर मुझे प्राइजिंग करके भेजेगा मैं वो प्राइजिंग अप्रूव करूंगा फिर मैं ये करूंगा फिर वो स्टोर में जाएगा मैं तो तीस दिन में माल तब तक बेच के खाली कर दूंगा सर आप सोचते रह जाओगे तो पॉइंट इज की इको अगेन आपको इको क्रिएट करना पड़ेगा यू कैनॉट जस्ट से मैं एक क्लोदिंग ब्रांड चालू करना चाहता हूँ और उसके पीछे डिजाइन का इकोसिस्टम, स्क्रैपिंग का इकोसिस्टम। बैक इन द डेज हमारा स्क्रैपर कौन था रिटेलर 2013 में लेंथ ऑन ब्रेथ ऑफ द कंट्री मैंने कवर किया बैग लेके मैं रिटेलर के पास जाता था उसको सैंपल दिखाता था वो मेरा स्क्रैपिंग सिस्टम था वो मुझे बताता था ये सैंपल अच्छा है ये सैंपल बहुत बढ़िया बना है ये सैंपल खराब है तीन सौ चार सौ रिटेलर तक हमने इंडन गराज को पहुंचाया उससे सबसे बड़ी लर्निंग प्रोडक्ट की मिली आपको जाना पड़ेगा रिटेलर के पास में सिखाएगा कौन प्रोडक्ट खाली बना लेने से काम नहीं होगा उसके अंदर फीडबैक बहुत आएंगे वाह पंद्रह 1500 किलोमीटर हम ट्रैवल करते थे बैग लेके एक एक, 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 एक रिटेलर के पास जाते थे अपना सैम्पल दिखाते थे उनसे फीडबैक लेते थे रात को जाके फीडबैक को नोट करते थे अपने डिज़ाइनर को बेचते थे भाई अगली बार प्रोडक्ट में अपने को ये 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 चीज़ें और ध्यान रखनी है मार्केट में ये नया आ गया और रोज़ फैशन चेंज हो रहा है राइट right? तो आपको उतनी एजिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी आप रात को मेडिटेशन की ऐप पर जाते हो शायद राइट right? और आप मेडिटेट करते हो मैं रात को प्रिंटरेस पर जाके कपड़े ढूंढता हूँ <laughs> आप समझ रहे हो डिनर टेबल पे ये बात होती है कि आज प्रोडक्शन कितना आया आपने बहुत अच्छे से ये भी समझाया कि सेलिब्रिटीज ये डी ब्रांड्स सी क्यों नहीं कर पाते पता नहीं शायद आंसर हो गया होगा बट but... ब्रो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब कह रहे हो और हमारे देश में अगर ये डी सी ब्रांड खड़ा करना है तो एकदम घिसाई करके अंदर घुस के खड़ा करना पड़ेगा कोई टाइगर की गेम है तो उन सेलिब्रिटीज को भी एक कैपेबल कोफाउंडर की जरूरत है हंड्रेड परसेंट ईच ईच फॉर ईच बिजनेस कैपेबल कोफाउंडर इकोसिस्टम क्रिएशन विल टेक इट्स ओन टाइम तब तक हार नहीं मान सकते आपको लगे रहना पड़ेगा अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ